श्रावण महीना की पूर्णाहुति साथ आज गुजरात की जनता ने एक नव नजराणु मिली। आखा हिंदुस्तान में आ प्रकार नजराणु पहली बार अमदावाद की अंदर काकरिया तला पर मिली। आज हूं नाना बाळक की जेम चार वगत पर जी रहे एवं अद्भुत नजारों जो मिले थे भाई सारा 300 फूट ऊंचाई पर भी कांकरिया जोवा कांकरिया पर फरती ट्रेन जोवानी रिवर फ्रंट जोवा पुल जोवाना पर तो एक नजर में बहुत देखा है। आ बलून सफारी खूब मोटी एक सामान्य मानवी रिक्रिएशन मनोरंजन व्यवस्था अने सौथी सुरक्षित से कोई मोटू संकट नहीं एमां। अने मारे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना मित्रों ने आज सविशेष अभिनंदन आपा कारण थोड़ा दिवस पहला मुंबई ना दरिया में एक जहाज उल्टू पड़ी गयो अने एना कारणे बीजा बधा जहाजों ने माइलो दूर रोकी देवामां आव्या। जे जहाजों रोकी देवामां आव्या एमां एक जहाज ए हतुं जेमां पूरो बलून आवतो एटले अमारा कोर्पोरेशने नक्की करी दीधुं साहेब हवे आ फाइन नथी कारण क्यारे हवे मुंबई पोर्ट खुले ने आपू जहाज त्यां आवे ने आवतुं तोफान उतरे અને ત્યાંથી પછી અમદાવાદ પહોંચે કસ્ટમ ક્લિયરન્સ થાય અને અહીંયા આવ્યા પછી બધું ગોઠવીએ ક્યારે મેળ પડે કહેવાય નહીં। મેં તો કોઈ આવું કઈ ચાલે નહીં આ તકલીફોમાંથી રસ્તા કાઢવા માટે તો લોકો આપણને દેખાડે છે એટલે આપણે જહાજને મુંબઈના દરિયેથી મુંદ્રા લઈ ગયા એમાં જરા ખર્ચો એ બધો થોડો પ્રવાસ થઈને પાછું લાવવું પડ્યું તોફાન અને મુંદ્રાથી રાતો રાત આવીને રહ્યા અને આ કોર્પોરેશનના સૌ મિત્રોએ રાત દિવસ એમ અક્ષરશ કહું તો 24 કલાક રાઉન્ડ ધ ક્લોક કામ કરીને 4 દિવસમાં આખી વ્યવસ્થા ઊભી કરી દીધી। जो आ समाचार दिल्ली ना छापा में जो छपाणा त्या अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 दिवस में आव अद्भुत काम थाय कॉमनवेल्थ रीते दुर्दशा करी है एनो दिल्ली की जनता जवाब बात अगर अमने पड़ी पड़ी रस्त काढ़ी सकते मन में इच्छा थी 8 तारीखे गमे तेम थाय आ ऊंची उड़ान एक बार अमदावाद भरे अने आ कॉर्पोरेशन अथाग परिश्रम कारण एना नाना मोटा सौ मित्रों भरावा एटला माटे बोलतो नथी काल के कोई नाम भराई जाए अथाग परिश्रम करे छे अने आपणी कार्यशैली कार्यशक्ति कार्य संस्कृति एने चार चांद लगाया थे अने तेथी अमने पीठ खावड़ू छो अद्भुत काम करू छो मित्रा मित्र नहीं तो ये अमने के साहेब बधु बराबर जे पण थाय नथी ए आपणे बहु आग्रह करीए के एम के पण साहेब जोखम धारे ऊपर जईए ने जो कंई थई गयुं तो एटले पछी बधा गभराई जाय के एवुं एमने कशुं ना कह्युं एमने कह्युं साहेब तमे कह्युं छे ने पण अमे लागी पड़ीए छीए અને થઈ ગયો મિત્રો અને આટલું સરસ કામ કર્યું છે ત્યારે
मारे गहरा कवि कॉर्पोरेशन मित्रों ने आग्रह कर मेरी बात स्वीकारी ली थी और मैं आनंद से मैं यू कहूं कि सोमवार की शुक्रवार रजा दिवसों सीवाय 15 वर्ष की नानी उम्र ना शाला ना बाड़कों ने जो आ बलून सफारी में जरूर हो तो सवारे 8-10 में मात्र 10 रूपया में लई जा अमदावाद में भूलकाओ मैंने जवाय अद्भुत अनुभूति कराओ एटलू ज नहीं दर वर्षे जे गरीबी रेखा नीचे जीवना गरीब बाळको छे दर वर्षे ओछा में ओछा 5,000 बाळको ने मफत में ऊपर ले जाओ गरीबी रेखा नीचे जीवना नाना नाना एवा 5,000 भूलकाओ ने वर्ष में मफत में भ्रमण कराओ भाई बहनों आज थी 5 वर्ष पहला कोई कल्पना करी थी कि आप कांकरिया बदली सके आपका हिंदुस्तान नो टूरिज्म एट्रेक्शन बनी गए भाई हाँ एक ट्रेन ओछी पड़े थे बीजी ट्रेन लाइन खड़ी करी दी थे थोड़ा दिवस में बीजी ट्रेन पर चालू थी जैसे जेने कांकरिया पर ट्रेन की लतार मारी है ट्रेन की लतार मारे है जेने आसमान में जाए आसमान में जाए उनकी उड़ान भरतो भाई मानी विश्व ने जोतो भाई आप बलून सफारी आपका गुजरात को आकर्षण बनवा लीजिए भाई एक मोटू काम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भाइयों बहनों प्रजातीय भलू करवाने जो केवलर हो तो आज सरकारी तंत्र पास भी क्यों अद्भुत काम ले सकते एनु जीवतू जात उदाहरण आ कांकरिया आ कांकरिया आप रिनोवेट करू त्यार सुधी में 1 करोड़ लोग मुलाकात लीधी है 1 करोड़ लोग आप कल्पना करी सको तो સાર સમાજના લોકો માટે કુટુંબ સાથે ક્યાંય જવું હોય તો જગ્યા નહીં અમદાવાદ આજે જગ્યા મળી ગઈ હમણાં પૂર્વ વિસ્તારમાં મીઠી મધ કેનાલ બનાવી દીધી છે આપણે ગઈકાલ સુધી જેને ખારીકટ કેનાલ કહેતા હતા એને મીઠી મધ કેનાલ બનાવી દીધી 22 કિલોમીટર લાંબો મિની રિવરફ્રન્ટ 3 કિલોમીટરનું કામ પૂરું કર્યું છે લોકો જોવા જાય છે કે ગઈકાલ સુધીનું ગંદુ નાળું એ આટલું અદભુત પરિવર્તન આવી શકે એના કિનારે બેસીને સાંજ વિતાવી શકાય યુવાનો ત્યાં ભરવા ભરવા જઈ શકે વડીલો ત્યાં આરામ કરવા માટે બેસી શકે ભાઈઓ બહેનો એક એક ચીજમાં પરિવર્તનનો પ્રયાસ આ ભદ્રકાળીની માતા આ શહેરની नगर देवता नगर माता एनो पण पुनर्निर्माण करवानो सपनू मन में लेके चाली छे एवो परिसर बनाव छे ज्यां के जेनी भूतकाळ में क्यारे कई कल्पना नहीं करी हो सामान्य क्यों आश्रम महात्मा गांधी दुनिया भर में आटलो महान विभूति युग पुरुष પણ સાબરમતી આશ્રમ એ દુનિયાનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું નથી મારે સાબરમતી આશ્રમને દુનિયાનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનાવ્યું વિશ્વનો માન્યતા ખેંચાઈ આવે સાત્વિકતા અહિંસા પ્રેમ સદાચારની જેને લાલચ છે એને સાબરમતી આશ્રમ આવવાની ઈચ્છા થાય એવું ભવ્ય સંકુલ સાબરમતી આશ્રમ નામે